बीते दिनों थाना गभाना क्षेत्र में हुई घटना को लेकर भारतीय खटीक समाज जागृति महासभा ने आज अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय को ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा गया। बीते दिनों थाना गभाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक परिवार से घर में घुसकर मारपीट व विकलांग महिला से दुर्व्यवहार का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर थाना पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप था कि दबंगों ने दिनांक 16 को गांव के ही कुछ दबंगों लोगों विकलांग खुशवती व उसके परिजनों से घर में घुसकर मारपीट की थी और विकलांग महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था, साथ ही घर में जेसीबी चलाकर तोड़फोड़ कर दी थी। वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा पूरी घटना की जानकारी 112 नंबर पर दी तो पुलिस तो पहुंची, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़ित परिवार जब थाने पहुंचा तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हर तरफ गुहार लगाने के बाद पीड़ित परिवार एसएसपी दफ्तर पहुंचा, जहां एसएसपी से मुलाकात के बाद एसएसपी ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं खटीक समाज पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर आज भारतीय खटीक समाज ने आज मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम तृतीय को सौंपा। वहीं ज्ञापन में पीड़ित परिवारों को न्याय व उचित मुआवजे की मांग की है। खुशवती, क्या घटना हुई थी आपके साथ? दबंग लोगों ने हम पर मारपीट करी है। कौन कौन लोग हैं जो मारपीट की है? वो पीटू, रमेश, कुलदीप, सबोद, बिशन। मारपीट का क्या कारण था? कारण ये था, वो हमारी जमीन पर कब्जा लेना चाहते थे, तो वो हमारे घर पर चढ़ाई करके आए थे, तो उन्होंने आते ही मारपीट कर डाली। कह रहे थे खटीक लोगों तुम्हें गांव से उखाड़ देंगे, तुम्हारी जमीन मकान दुकान सारा तोड़ देंगे। पूरे मामले में आपने पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश की? कार्रवाई करी थी हमने, 100 नंबर की पुलिस बुलाई थी, वरना हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो पुलिस कार्रवाई के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो पाई? कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई। हमने यहाँ पे आए थे एडीएम के पास में और कप्तान साहब के पास में, वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, अलीगढ़ से सुनवाई हुई। कप्तान साहब के यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? उन्होंने हमारी रिपोर्ट ली थी, उन्होंने ही हमारे पास में फिर डीएम साहब को भेजे थे। ये क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये घटना ये हुई कि कुछ दबंगों ने आके हमारे मकान को में नाली खोदने की, उसमें हमने उन्हें रोका बांधा तो हम पर मार पिटाई कर दी जोर से। दूसरे दिन आके उन्होंने हमारी लैट्रिन और चूल्हे चाबी सब तोड़ दिए, पुलिस का सहारा लिया। फिलहाल आला अधिकारियों से आपकी कोई वार्ता हुई है? आला अधिकारियों से हमारी अभी कोई वार्ता नहीं हुई है और हमने जो अपना कार्यवाही है वो करना शुरू कर दिया। पुलिस कार्यवाही आपने करने का प्रयास किया? हाँ जी। क्या आश्वासन मिला पुलिस कार्यवाही में? थाने से तो हमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई 20 दिन के बाद में जब हमने कार्यवाही आगे बढ़ाना शुरू किया, SP साहब ने उन्होंने थाने के लिए फोन किया और तुरंत हमारी 19 तारीख में FIR दर्ज हो गई, 3 तारीख को। आज किस प्रकार से आपने प्रदर्शन किया है? ये भारतीय खटीक समाज जागृति महासभा द्वारा पिपलौट ग्राम थाना गवाना में जो घटना हुई है खटीक समाज के साथ, उसके संदर्भ में हम ये मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा ज्ञापन दे रहे हैं और सिटी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कोई और अधिकारी हमारे ज्ञापन को लेने आ रहे हैं। फिलहाल आज प्रदर्शन के माध्यम से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो ये घटनाएं आए दिन हमारी समाज के साथ जो हो रही हैं ये ना हो, सबको समानता से जीवन जीने दिया जाए। जी, किस प्रकार का ज्ञापन आपको सौंपा गया है? ये वीरेंद्र सूर्यवंशी जी हैं, इनके द्वारा ये दलित विकलांग महिला के साथ गांव के दबंगों द्वारा मारपीट और घर में तोड़फोड़ करने के संबंध में सभी उपस्थित लोगों ने ये ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसको ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, इसको हम भेज देंगे माननीय। सर, कृप ज्ञापन में किस प्रकार की मांग रखी गई है? इन्होंने कहा है कि जो घटनाएं हुई हैं उसका संज्ञान लेके और कार्रवाई की जाए।